हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में निकाली गई है जो कि अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर रिसर्च फेलो। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकाली जाए, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। पॉलिसी रिसर्च यूनिट के अंडर में ये वैकेंसी निकाली गई है और हमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो हमें रिसर्च फेलो की डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि इन्होंने टोटल अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए 6 वैकेंसी निकाली है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। इन्होंने क्लियरली अपने लॉ डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एडवर्टाइजमेंट में बताया है, इन्होंने बोला है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है यानी अगर आप कैंडिडेट्स के पास LLB की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आप कैंडिडेट्स ने 3 ईयर का LLB कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का PA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास 1 साल से लेके 5 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें रिसर्च में और रिपोर्ट राइटिंग में। अगर आपको 1 साल से लेके 5 साल का एक्सपीरियंस है रिसर्च और रिपोर्ट राइटिंग में तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लॉस के रिगार्डिंग। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को पॉलिसी रिलेटेड वर्क भी करना होगा टैक्सेशन के एरिया में, और साथ ही साथ उसको अगर पब्लिक फाइनेंस के रिगार्डिंग नॉलेज है तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट्स की एज बिलो 35 ईयर्स है एज पर ऑन 1st of January 2024 के अकॉर्डिंग तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट्स की एज 35 साल से नीचे होनी चाहिए एज पर ऑन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ इन्होंने आप कैंडिडेट्स को रेमुनरेशन के रिगार्डिंग क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट्स एज अ रिसर्च फेलो के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं तो आपको जो मंथली सैलरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा वो आपको 70,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आपको अदर देन योर रेमुनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। और एडवर्टाइजमेंट में ये आप कैंडिडेट्स को क्लियरली मेंशन करा है कि ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा रिसर्च फेलो के तौर पे। अगर आपके सुपीरियर्स को आपकी सर्विसेज पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है, और आपके रेम्यूनरेशन को भी टाइमली इंक्रीमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को एज अ रिसर्च फेलो के तौर पे जो ईयरली आपको लीव्स प्रोवाइड कराई जाएंगी वो आपको 16 डेज की लीव प्रोवाइड कराई जाएंगे। अगर वो 16 डेज के बियॉन्ड आपकी लीव होती है तो वो आपकी प्रो रेटा बेसिस पे पैसे आपके डिडक्ट किए जाएंगे। तो ये इन्होंने आपको
लीव्स के रिगार्डिंग क्लियरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली अपने इस एडवर्टाइजमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, और जिन भी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन कैंडिडेट्स को ईमेल आएगा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा इंटीमेट यानी कि कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को यानी कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। और जो भी कैंडिडेट अपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा उस कैंडिडेट को फाइनली मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी, एज अ रिसर्च फेलो के तौर पे उससे सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, यानी आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होने वाला, डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सभी कैंडिडेट्स इस एडवर्टाइजमेंट को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे एक अनेक्स्चर खुल के आएगा, आपको उस अनेक्स्चर को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको उस अनेक्स्चर पे अपनी सारी डिटेल्स को फिलअप करना है। बहुत ईजी डिटेल्स आपसे मांगी गई है जो कि आप खुद से बहुत ईजिली फिलअप कर सकते हैं, बहुत बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी गई है। तो आप उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद अपनी एक सॉफ्ट कॉपी उस फॉर्म की बनाएंगे, या फिर आप हार्ड कॉपी को ही सारे अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके इनके गिवन एड्रेस पे भेज सकते हैं। एड्रेस आप कैंडिडेट्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के अवेलेबल करा रखा है, एक बार पढ़ के बता देता हूँ। टू दी ज्वाइंट सेक्रेटरी कॉमा TPRU ऑफिस ऑफ TPRU एट 5th floor कॉमा Tower 1 जीवन भारती बिल्डिंग कॉमा कैनॉट प्लेस कॉमा न्यू दिल्ली 01। इस एड्रेस पे आप सभी कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में डाल के भेजना है, और आप सभी कैंडिडेट्स को अपने एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर रिसर्च फेलो, और आप सभी कैंडिडेट्स को इस एनवलप को पोस्ट कर देना है और मेक श्योर करना है कि आपका ये एनवलप इनके इस रिस्पेक्टिव ऑफिस पे बिफोर 3rd ऑफ सितंबर 2024 पहुंच जाना चाहिए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। मेक श्योर करें कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म इनके पास 3 सितंबर से पहले पहुंच जाए। अगर 3 सितंबर के बाद पहुंचेगी तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंसिडर नहीं करेगा। आप सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को ऑनलाइन भी फिलअप कर सकते हैं, आपको अपने इन सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स की और आप अपने अनेक्स्चर को यानी कि फॉर्म को जो आपने अपने हाथों से फिलअप करा है इन सबकी एक सॉफ्ट कॉपी बनानी है, और अपने जीमेल में जाके एक नए मेल को कंपोज करना है और सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर रिसर्च फेलो, और इस मेल को आपको मेल कर देना है dc2-tpru@government.in। इस ईमेल आईडी पे आपको मेल कर देना है अटैच करके अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और अनेक्स्चर को। एक बार मैं आप सभी कैंडिडेट्स को अनेक्स्चर भी दिखा देता हूँ जो आप कैंडिडेट्स को रिसर्च फेलो की पोजीशन के लिए फिलअप करना है। ये जो अभी आपके स्क्रीन पे फॉर्म आ रहा है यही अनेक्स्चर है जिसे आपको फिलअप करना है। बहुत सिंपल डिटेल्स आपसे पूछी गई है जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप अपनी ईमेल आईडी को, अपने फोन नंबर को और अपने एड्रेस को बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि आगे का कम्युनिकेशन आपसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्हीं तीनों में से किसी भी मोड के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। तो बहुत केयरफुली ये फिलअप करें, बाकी कोशिश करें कि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन ही फिलअप करें। एप्लीकेशन फी कुछ भी नहीं रखी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट का आपका ये फॉर्म है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी कोई क्वेरी हो आपकी इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग तो आप सभी कैंडिडेट्स मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा लास्ट 15-20 डेज में हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है जब हमारे लीगल प्रोफेशन के लिए एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आए। मैंने हर एक वैकेंसी के रिगार्डिंग चैनल पे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करी हैं। मैं चाहूंगा आप कैंडिडेट्स लास्ट 15-20 डेज के हर एक वीडियो को एक बार जरूर देखें।
अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन फॉर्म के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ मैच करता हो तो मेक श्योर करें कि आप उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बाकी आप कैंडिडेट्स को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं। थैंक यू सो मच।